मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश पूरा मोदी में हुआ है। वर्तमान में पूरे देश में प्रचंड आंधी चल रही है, खासकर मध्य प्रदेश में। हमको मालूम है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 29 सीटों पर समझौता किया, 28 सीट कांग्रेस को दी और एक सीट समाजवादी पार्टी ने ली। खजुराहो सीट से पहले समाजवादी पार्टी के सदस्य ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस लिया या एक तरह से जानबूझकर उन्होंने फॉर्म में त्रुटि की ताकि कलेक्टर पर आरोप आए। उन्होंने एक तरह से विड्रॉ किया। घोषित तरीके से उन्होंने कहा कि प्रशासन ने गलती कर दी, जबकि उसी समय स्पष्ट किया गया था कि जब कोई उम्मीदवार फॉर्म भर के दो दो जगह हस्ताक्षर नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तब भी कांग्रेस और अन्य लोगों ने कहा कि इन्होंने गलत किया है। अब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस ले लेता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं। वह लड़ना नहीं चाहते, उनमें दम नहीं बचा। ये लोकतंत्र की ताकत और मोदी की लोकप्रियता है, सीएम ने कहा। खास बात यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जिस नगर में रहता हो उस जिले का प्रत्याशी यदि अपनी लोकसभा की टिकट लौटा रहा है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। प्रत्याशी आपकी जान इस तरह से इसको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 29 सीट पे कॉम्प्रोमाइज किया है। 28 सीट कांग्रेस को दी, एक सीट समाजवादी ने ली। खजुराहो सीट से पहले कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के सदस्य ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया या एक तरह से जान करते उनने सरेंडर करते हुए फॉर्म में त्रुटि करी ताकि कलेक्टर के सिर पर आए और उनने एक तरह से अपना विड्रॉ किया। दूसरा, घोषित रूप से तब इनने कहा था कि हमने प्रशासन में गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि इस समय स्पष्ट किया था कि ये जो कोई उम्मीदवार फॉर्म भर के अगर हस्ताक्षर नहीं करता और एक जगह नहीं दो दो जगह नहीं करता है तो इसका मतलब ये वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हमने उसमें इशारा भी दिया तब भी कांग्रेस और सब लोगों ने कहा नहीं नहीं इन्हें गलत किया है। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा, तो उसमें ये लोकतंत्र की ताकत है, मोदी जी की लोकप्रियता और भाजपा की जनता के पीछे नीचे तक की जड़ें की गहराई है। और मुझे जानकारी मिली है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी उसने भाजपा की सदस्यता के लिए आवेदन भी कर दिया है, तो हम उसके आवेदन पर विचार कर रहे हैं और हो सकता है उसको अगर भाजपा ज्वाइन करना तो कराएंगे भी सही। लेकिन खास महत्व की बात है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस नगर में रहता हो उस नगर का प्रत्याशी, उस जिले का प्रत्याशी अगर अपनी लोकसभा की टिकट लौटा रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को